10 साल तक प्रोड्यूसर्स से काम मांगते रह गए थे बॉबी देओल। फिल्में नहीं मिलने से पड़ गई थी शराब की लत। धर्मेंद्र और प्रकाश कौर के छोटे बेटे बॉबी देओल 27 जनवरी को 50 साल के हो गए हैं। बॉबी देओल हाल ही में सलमान खान के साथ फिल्म रेस टीम में नजर आए थे। फिल्म के लिए बॉबी देओल ने कड़ी मेहनत की थी, जो कि उनके बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन में साफ नजर आया। बॉबी देओल को इस फिल्म से काफी उम्मीदें थी, लेकिन रेस 3 बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हुई। सलमान खान ने भी बॉबी देओल का खूब प्रमोशन किया, लेकिन वो उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए। फिलहाल बॉबी के खाते में फिलहाल हाउसफुल 4 है। हालांकि एक वक्त ऐसा था जब बॉबी का करियर तेजी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन उनकी कुछ गलतियों का असर उनके करियर पर पड़ा। बॉबी ने अपने करियर की शुरुआत साल 1995 में फिल्म बरसात से की थी। इसके बाद उन्होंने सोल्जर, बादल, बिच्छू और अजनबी जैसी फिल्में की, जिससे उन्हें कुछ खास फायदा मिला। बॉबी को बरसात के लिए फिल्म फेयर बेस्ट डेब्यू अवार्ड और हमराज के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। फ्लॉप फिल्मों का नतीजा रहा कि बॉबी को काम मिलना बंद हो गया। काम नहीं मिलने के चलते वो डिप्रेशन में चले गए और शराब की लत लग गई। एक इंटरव्यू में बॉबी देओल ने खुद कबूला था कि 10 साल से काम मांगते मांगते वो थक चुके थे, जिसका नतीजा ये रहा कि वो डिप्रेशन में चले गए थे। फिल्म में ना मिलने की वजह से ही देओल फैमिली ने खुद का प्रोडक्शन हाउस खोलने का मन बनाया था। वहीं एक वेबसाइट से बात करते हुए बॉबी ने इस बात को स्वीकार किया था कि उन्हें शराब की लत लग गई थी, जिससे उनकी पत्नी ने उन्हें बाहर निकाला। बॉबी देओल और तानिया के दो बेटे आर्यमान देओल और धर्म देओल हैं। बॉबी देओल अपने हालात के बारे में एक इंटरव्यू में बता रहे थे। उनकी बातें सुनकर भाई सनी देओल इमोशनल हो गए थे और रो पड़े थे। बॉबी देओल को काम नहीं मिलने पर सनी देओल ने कहा था कि एक दूसरे को दर्द होता है तो फील तो होता ही है। हमारा परिवार काफी मजबूत है और हम सब साथ हैं।